वेलकम बैक टू आर अनदर ब्लॉग। और आप सोच रहे होंगे कि आज का ब्लॉग हम गाड़ी से क्यों शुरू करें, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। पूछा किसी ने हमारी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी 12:10 बजे की। नहीं, मुझे ऐसा कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, बस मेरी आंखों की दृष्टि कम हो चुकी है। डिफेक्टेड बीवी मिली है, वरना तेरे को डर नहीं लगता? तो जिसकी वजह से मुझको, मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं अपना आंखों का ऑपरेशन करवा के लेजर वाला, और उससे ये तो ठीक है, ताकि मेरा इससे छुटकारा मिल सके। एक बात बताओ, शादी के पहले क्यों नहीं कराया ऑपरेशन? बड़ा हरामी हो बेटा। और मैं शादी से पहले अंधी हो जाती, फिर आप शादी नहीं करते ना। तो अब जा रहे हैं, और टेस्ट आज का अपॉइंटमेंट था 12:10 का, और अभी एग्जैक्टली बज चुके हैं 12:30, तो लेट हो गए हैं क्योंकि ये महाराज टाइम से नहीं उठते हैं। उसके बाद पहुँच कर हम लोगों को कुछ टेस्ट वेस्ट कराने हैं, और उसके बाद पता चलेगा। अगर नंबर बहुत ज़्यादा होगा तो वो लोग मना कर देंगे, और नंबर अगर ठीक होगा तो उनका कुछ क्राइटेरिया होता है। तो सारा अपडेट मैं आपको दूंगी। अगर आप लोगों को भी करवाना होगा, किसी भी हमारे सब्सक्राइबर को भी, तो इस पूरे ब्लॉग में आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। सीखूं तेरी गलतियों से मैं, बेगाने होते कर दिशे बेगाने, फैसले हमारे साथ। हम पहुंच गए हैं आई हॉस्पिटल, और यहां पर सबसे पहले हमको ये फॉर्म फिल करना पड़ा है। पता नहीं कौन सी टेस्टिंग चल रही है, क्या चल रही है। दिव्या कमजोर है ना आपकी बहुत ज़्यादा, मुझे कैसे देख लिया हैं? ससुराल वालों ने मेरे को अंधी भी देगी, मेरे साथ स्कैम हो गया ना। स्कैम हो गया। पता क्या पढ़ रही थी आप? 3 को पढ़ रही हो, एस 5 को पढ़ रही हो, 8 गलत। तो मेरे साथ तो गलत हुआ है ना, स्कैम हुआ है मेरे साथ। जिनके यहाँ पर हम लोग आए हैं I7 हॉस्पिटल में चौधरी से, तो इन्होंने मैक्सिमम स्पेक्स रिमूवल की सर्जरीज की है, एंड ये बहुत ज़्यादा रिनाउंड भी है। आप गूगल पे भी जाएंगे तो भी आपको मिल जाएगा, और ये इनका ब्रोशर भी है। बाकी के इन वर्ल्ड में इनका जो रैंक है इंडिया का सबसे ज़्यादा है, और इनका सेंटर्स बहुत जगह पर फैला हुआ भी है। बहुत सारी इवन मतलब 100+ सर्जरीज इन्होंने लेजर करी भी हैं। लिया गया रूम नंबर 207 में, इन्वेस्टिगेशन होगी दिव्या की। सानिया मैडम के पास नहीं जाने दिया गया है, तो दिव्या को अंदर बुलाया गया है। दिव्या अंदर से आती है, देखिए बताती है फिर हमें। और अभी हुए हैं मेरे कुछ टेस्ट वगैरह, उसके बाद अभी आंखों में दवाई डाली गई है, उसके बाद मुझे बहुत ब्लर दिख रहा है, और उसके बाद अभी डॉक्टर को विजिट करना है ताकि हम लोग बाकी कंसल्टेंसी ले सके। जो भी टेस्ट आए हैं उनको सारे रिपोर्ट्स डॉक्टर देखेंगे। सो डॉक्टर ने ये बोला है कि आँखों का हम लोग लेज़र नहीं करेंगे, बट लेंसेज इन बिल्ड करेंगे, क्योंकि जो मेरे ब्लैक पोर्शन है, जो मेरा ये वाला आगे का कॉर्निया ब्लैक पोर्शन है, वो इतना ज़्यादा थिन है कि हम इसके ऊपर लेजिक नहीं कर सकते हैं। इसकी पुतली काट के, लेजिक पहला ऑप्शन रहता है जिसमें पुतली काट कर और उसमें फिर नंबर बिल्ड किया जाता है, शायद कुछ ऐसा ही। और सेकंड ऑप्शन रहता है लेंसेज इन बिल्ड करने का, तो दे आर गोइंग फॉर द सेकंड ऑप्शन, क्योंकि इतना ज़्यादा थिन है मेरा कॉर्निया कि उसको कट नहीं कर सकते। कट करेंगे तो कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए है। सो अब कल जाना है हमको दरियागंज, और वहाँ जाकर हमको अपने आँखों का, रेटिना का हमको देना है अपना साइज, ताकि हमारे लेंसेज आए। और इनके लेंसेज जो हैं वो आते हैं सिंगापुर से बनकर, और उसके बाद जब बनकर आएंगे, उन्होंने कहा कि 1 वीक का टाइम लगेगा, और मोस्ट प्रोबेबली 4 से 5 दिन में भी आ सकते हैं। तो जैसे ही आएंगे उसके नेक्स्ट डे जाकर हमको अपना ऑपरेट करवाना पड़ेगा, और उसमें ऑपरेशन में भी मतलब कोई कट या ब्लेड कुछ भी नहीं है, सिर्फ मशीन्स के थ्रू ही उसको डाला जाएगा। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने घर, क्योंकि ये हॉस्पिटल पड़ता है लाजपत नगर में, और मेरा घर भी है लाजपत नगर में। और उसके बाद फिर नोएडा और लाजपत नगर से मैं घर आ गई थी, क्योंकि विपिन की एक मीटिंग कैंसिल हो गई थी, तो हम लोग वापस घर आ गए। और हम लोग काफ़ी नहीं, जब से हम दुबई से आए हैं हम लोग एक चीज़ के लिए बहुत परेशान है, वो हमारा लॉकर, जो कि खुल ही नहीं रहा है, और वो इतना जाम हो गया था क्योंकि उसको या तो हम लोगों ने इतने दिनों से खोला नहीं या पता नहीं क्या। आते ही पहले हम लोग नहाए धोए, थोड़ा फ्रेश हुए, क्योंकि इतनी ह्यूमिडिटी है ना, चिप 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 चिप। और उसके बाद अभी हमने बुलाए हैं चाबी वाले भैया,
जिसके लिए भी हमारी सोसाइटी में इतना लंबा प्रोसेस है, मेल डालो, ये करो, तभी उसके बाद फिर चाबी वाले भैया को ये लोग परमिशन देते हैं, तब वो अंदर आते हैं। तो अब आ गए हैं और अब कर रहे हैं वो लॉकर को खोलने का ट्राई। ये देखो, ये भैया कोशिश कर रहे हैं लॉकर को खोलने की। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। Hours later. क्यों नहीं कर रहे?